आप सोचिए, अगर मुझे ऐसी पावर दी गई होती कि मैं किसी भी जगह को मंदिर की संपत्ति घोषित कर सकता हूं, और मैं जब से कहूं कि ये मंदिर की संपत्ति है और मैं कहूं ये मंदिर का यूजर है, तो क्या उसको मान्यता दी जाती? आज तक कोई ऐसा कानून इस देश में नहीं बना है जिसने इस तरह के किसी कंसेप्ट को मान्यता दी हो। आज तक इस देश में कोई ऐसा कानून नहीं बना है जिसमें किसी मंदिर की संपत्ति का सर्वे हुआ हो, और अगर आपने उस सर्वे में आप उससे एग्रीड हो तो वो आदमी किसी हिंदू ट्राइबल में जाए उसको चैलेंज करने के लिए। आज तक इस देश में कोई ऐसा कानून नहीं बना है जहां पे किसी मंदिर की संपत्ति का सर्वे किया जाए और उस सर्वे का खर्चा राज्य सरकार वहन करे। तो यहाँ पे आपने आर्टिकल 27 का मर्डर करते हुए स्पेसिफिक आपने प्रोविजन ला दिया कि जो भी वक्फ का संपत्ति का सर्वे होगा उस सर्वे का खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी।